तीन अक्टूबर देवताओं की गुरु बृहस्पति गवार और आज मिलेगा मां का आशीर्वाद और कुंडली में बनेगा इंद्र योग और इंद्र योग से आपको आज एक नई पहचान मिलेगी, नए ऑफर मिल सकते हैं। चंद्रमा और शुक्र का 2-12 का संबंध लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में कुछ खींचतान हो सकती है। चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि होने से सोशल लेवल पर आपकी एक नई पहल शुरू हो सकती है। नवरात्र के पावन पर्व पर मनोकामना पूर्ति के लिए क्या विशेष उपाय करें, कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे कर्कोटक काल सर्प दोष के बारे में। क्या आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जमीन जायदाद के मुकदमे चल रहे हैं, तो अब आप निराश न हो, परेशान न हो। रामायण में एक उल्लेख आता है, जब भगवान राम रावण को पराजित करने में असमर्थ थे तब जामवंत की सलाह पर उन्होंने देवी साधना करके रावण को पराजित किया था। 3 से 11 अक्टूबर तक इस शारदीय नवरात्रा में माँ बगलामुखी की आराधना से आप पा सकते हैं इन समस्याओं से छुटकारा। शारदीय नवरात्रि में माँ बगलामुखी की पूजा से आपको इन समस्याओं से तुरंत छुटकारा मिल सकता है। आज ही अपनी व्यस्त जीवन शैली से कुछ समय निकालकर विधि विधान आपके लिए करना मुश्किल है, लेकिन हम आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में आपके लिए विशेष अनुष्ठान का आयोजन करने जा रहे हैं। आप इसमें शामिल होकर अभिमंत्रित माँ बगलामुखी साधना किट मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 3 अक्टूबर गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 महत्वपूर्ण दिन है, माता महाश्राद्ध भी है और शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रही है और अग्रसेन जयंती भी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, शक्ति का प्रवाह है शैलपुत्री और शक्ति का प्रवाह नव दुर्गा में पहली देवी है शैलपुत्री। शैल यानी पत्थर, इस रूप की आराधना से मन पत्थर के समान मजबूत भी होता है, इससे प्रतिबद्धता आती है। जब भी आपका मन अस्थिर होता है शैलपुत्री उसे केंद्रित करती है और प्रतिबद्ध करने में सहायता करती है। शैल शिखर को भी कहा जाता है। शैलपुत्री पर्वत शिखर की बेटी है। नवरात्र का पहला दिन है और इस दिन घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा की प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन अर्चन और स्तवन किया जाता है। आज आप ज्यादा से ज्यादा लाल कपड़े और लाल चीजों का प्रयोग करिए। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक हकीकत से करना चाहूंगा। सपने वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने वाली एक लड़की जब 4 साल की थी तब उसके पिता गुजर गए। पिता के जाने के बाद आर्थिक स्थिति और तंगी जो है उसके कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जब उसकी माँ ने मजदूरी करके घर की हालत को संभाला, लेकिन पिता के बिना उसकी माँ के लिए 2 बेटियां और 1 बेटे को लेकर घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। एक लड़की जो बचपन से ही माँ के दुख को समझती थी, वो चाहती थी कि अपने दम पर कुछ ऐसा करे कि उसकी माँ को कभी कष्ट न उठाना पड़े। घर में बिजली न होने पर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती, क्योंकि उसका सपना था IAS ऑफिसर बनने का और वो लड़की IAS ऑफिसर बन गई, जिसका नाम है पूजा नायक। प्रिय साथियों, हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे पास सपने हैं तो हम उसे साकार करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दें। निश्चित मानिए प्रभु इतने आपके लिए दयालु बन जाएंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। मेरे प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 3 अक्टूबर को रांची हूँ, 5 और 26 अक्टूबर को मुंबई, 6 अक्टूबर बेंगलुरु, 16 अक्टूबर दिल्ली, 17 अक्टूबर कोलकाता, 19 अक्टूबर अहमदाबाद, 21 अक्टूबर गुड़गांव गुरुग्राम, 27 अक्टूबर पुणे, 9 नवंबर चंडीगढ़, 10 नवंबर दिल्ली और 16 नवंबर इंदौर के साथ 17 नवंबर को मैं मुंबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, कुंडली में शुक्र ग्रह अगर खराब है तो उसे मजबूत करना चाहिए, और कैसे और क्यों करना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल कैसे बेहतर हो सकती है, इस विशेष कार्यक्रम को मैं लिंक में शेयर कर रहा हूं, आप जरूर देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी और आज दोपहर में 3:32 तक हस्त नक्षत्र और बाद में चित्र नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफ और बुधादित्यों के साथ मिल ही रहा है, लेकिन इंद्र और इंद्र 2 नए राजयोग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों के लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी कन्या राशि में रहेंगे और आज भी चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए वैसे तो पूरा दिन ही अच्छा है, लेकिन 2 शुभ मुहूर्त है। पहला सुबह 7 से 8 बजे तक शुभ का चौघड़िया है और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौघड़िया है, लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। अब आप घट स्थापना, कलश स्थापना का मुहूर्त नोट कर लीजिए। 3 अक्टूबर प्रतिपदा को सुबह 6:35 से 8:03 तक शुभ मुहूर्त है और इसके अलावा एक अभिजीत मुहूर्त भी है।
जो दोपहर में 12:03 से 12:50 तक रहेगा। आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता आपकी हर मुराद पूरी करे, हर मनोकामना पूरी करे। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। किसी पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी आज मिल सकता है। इंद्र और इंद्र योग के बनने से मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग, फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए लोगों को नई कंपनी से ऑफर मिल सकते हैं। मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को आज जितना ट्रैवल करेंगे उतना लाभ मिलेगा। वर्क प्लेस पर आ रही प्रॉब्लम्स को आप काफी हद तक आज सॉल्व कर लेंगे। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर जो भी काम हाथ लगे उसमें थोड़ा क्रिएटिव करिएगा। फैमिली में बड़े बुजुर्गों की सेहत में आपकी वजह से सुधार आएगा और आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए आप आज कुछ खरीदारी कर सकते हैं। चेहरे पर खुशी भी आएगी, परिवार में इससे खुशी भी आएगी और आगे शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए योजना भी बनेगी। जो लोग किसी प्रकार के फाइनेंस, लॉ या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट को आज मेहनत ज्यादा करनी होगी। सामाजिक कार्यक्रम पर आपका झुकाव रहेगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बढ़ेगी। आपके लिए दिन शुभ संकेत लेकर आ रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। वृषभ राशि। माँ बाप को संतान के सुख के बारे में सोचना चाहिए। संतान से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपकी परवरिश पर निर्भर करता है, इसलिए बच्चों की कंपनी पर भी ध्यान दीजिए। जो लोग फ्रीलांसर है, राइटर है, कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, कोई भी कंसल्टेंसी देते हैं, ई बुक राइटर है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है या कोई भी प्रकार के सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, उनके पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। नई टेक्नोलॉजी आपको ऊंचाई पर लेके जाएगी। व्यापार से संबंधित जरूरी काम पूरे होने पर व्यापारियों को सुकून मिलेगा। मानसिक शांति मिलने पर व्यापार के लिए आगे योजनाएं बना सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को करियर में नए ऑप्शंस मिलेंगे और आज कमर कस के तैयार हो जाइए। वर्क प्लेस पर स्मार्ट वर्क से आप सभी का दिल जीत लेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई अच्छा गिफ्ट या कोई अच्छी बात होने वाली है। फैमिली में बाहर से आए हुए रिलेटिव के साथ समय व्यतीत होगा। सेहत के मामले में आप लकी हैं। आप भविष्य की बड़ी कल्पना में न उलझें, वर्तमान को फोकस करिए। सोशल लेवल पर काफी दिनों से आ रही प्रॉब्लम का आज द एंड होगा। मुश्किल से पीछा छुड़ाने के बस एक ही रास्ता है, उसका सामना करिए। परिवार के साथ आम राय बनाकर जमीन और जायदाद के मामले हल होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जिस काम में दिलचस्पी है आज वही काम करिए। मिथुन राशि। परिवार के सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, आज ध्यान दीजिए। परिवार के साथ बैठकर इस पर बात करिए। ग्रैंड दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता रहेगी, जिससे व्यापारी लोगों को आज कोई ठोस कदम उठाने से बचना चाहिए, वरना हानि हो सकती है। नए बिजनेस में एक साथ बड़ी धनराशि न लगाएं। अनएम्प्लॉयड पर्सन के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट न होने पर हाथ आई भी जॉब जा सकती है या फिर कोई वीजा या टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है फॉर्म भरने में। एम्प्लॉयड पर्सन, बड़े फैसले लेने से बचिए और अपनी बातों को थोपने का काम नहीं करें। मौसम बदल रहा है, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। सामाजिक स्तर पर आपका कोई काम खतरे की घंटी बन सकता है। फैमिली में अपनापन दिखाइए और थोड़ा बड़ापन दिखाइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जो विवाद थे उसे हल कर दीजिए, चाहे इसके लिए छोटा या बड़ा कोई त्याग क्यों ना करना पड़े। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट थोड़ी प्रॉब्लम आज फेस करेंगे, लेकिन लगातार प्रयास से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कर्क राशि। दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद करना, उनसे मदद लेकर आपके ज्यादातर काम बनेंगे। इंद्र और इंद्र योग के बनने से फेस्टिवल सीजन के शुरुआत में ही आज व्यापारियों के लिए मुनाफे वाली डील हो सकती है। फाइनेंशियल स्थिति का आकलन करिए और कुशल प्रबंधन यानी बेहतर मैनेजमेंट दिखाइए। वर्क प्लेस पर करियर को लेकर आप गंभीर रहेंगे तो आज बेहतर काम कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन अपनी प्रखर बुद्धि और जुबान से विरोधियों के दांत खट्टे कर देंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का आज पूरा साथ आपको मिलेगा। फैमिली में आप अपने मन में चल रही बातों को जरूर शेयर करें, वरना दिल का बोझ बढ़ जाएगा। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर से जुड़े हुए लोगों के लिए शुभ दिन है। यारों, दोस्तों के साथ स्फूर्ति आज बनी रहेगी। सेहत के मामले में एज यूजुअल दिन है। सोशल लेवल पर आज कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं। जो लोग पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को आज कुछ स्पेशल सीखने का मौका मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब चार राशि बात नवरात्र स्पेशल बात करते हैं कि नवरात्र के पावन पर्व पर मनोकामना पूर्ति के लिए आज आप क्या करें। प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करके एक लकड़ी का बाजोट ले लीजिए, उस पर भी लाल वस्त्र बिछा दीजिए और उसके मध्य में अपने हाथों से बड़ी चावल की एक ढेरी बना दीजिए। अब एक चांदी या स्टील की थाली पर अष्टगंध से शम लिखिए। थाली को अक्षत की ढेरी पर रखकर इस पर माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या माँ दुर्गा की फोटो या प्रतिमा स्थापित करिए। माँ शैलपुत्री का पूजन और स्तुति करते समय लाल रंग के पुष्प और प्रसाद में गुड़ का भोग लगाइए। माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए आज एक माला कम से कम
ओम शम शैल पुत्री देव्य नमः जाप करिए, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। और नित्य 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती अर्गला और कीलक का पाठ करिए, दुर्गामय वातावरण बना दीजिए। सिंह राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाइए, बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। इंद्र और इंद्रियों के बनने से फेस्टिवल सीजन पर कपड़े, ज्वेलरी, खाने पीने की चीजों से जुड़े हुए व्यापारियों को एक्सपीरियंस टीम हायर करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर वर्कलोड ज्यादा होने से आप ऑफिस में ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। अनएम्प्लॉयड पर्सन हो या एम्प्लॉयड पर्सन, अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को और बेहतर करिए, प्रशंसा मिलेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की इंपॉर्टेंस समझिए और समय की महत्ता भी समझिए। फैमिली में आपके स्ट्रॉन्ग एफर्ट से काफी दिनों से अटके लटके बटके काम पूरे होंगे। सामाजिक स्तर पर आपके मान और सम्मान में बढ़ोतरी होने से चेहरे पर खुशी आएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, जंक फूड से परहेज करना चाहिए। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो संतुष्टि मिलेगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आज ट्रैवल को आप नहीं करें, या ट्रैवल करना हो तो किसी बात को अनदेखा नहीं करें। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने प्रदर्शन की छाप आज छोड़ने में सफल होंगे। कन्या राशि, IQ और EQ लेवल बेटर होगा, बौद्धिक विकास होगा। बिजनेस में पुराने आउटलेट से अच्छी अर्निंग अगर नहीं हो रही थी उसे बदल सकते हैं। फेस्टिवल सीजन के लिए आज आप कुछ स्पेशल करिए और जो मैंने शुभ समय बताया था उसी समय में मीटिंग करिए। व्यापारियों को अपनी दशा और दिशा पहचाननी चाहिए और सपने आपके हैं तो रोड या फिर जो रास्ता है उसे आपको ही तलाश करना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर आप हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए, समय से पहले काम कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जॉब करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वो नए अवसर में भी तब्दील होंगे। सोशल लेवल पर किसी बात को लेकर आप अपसेट रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए समय निकालिए। फैमिली के साथ आज नवरात्र का आनंद आप उठाने वाले हैं। आप जिस काम की जिम्मेदारी लेंगे उसे अपने स्किल के द्वारा पूरा करने के लिए कहीं से प्रेरणा मिलेगी। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज खुशियों की सौगात मिलने वाली है। सेहत के मामले में आप लकी हैं। तुला राशि, बढ़ते खर्च और कर्ज से हो जाएं सावधान, ये आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। बिजनेस में बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करें वरना घाटे का सौदा हो जाएगा। हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे वैसे भी नहीं करना चाहिए। व्यापारी बड़ी बातों पर ध्यान देने के जुगत में छोटी बातों को अनदेखा करके कोई घाटा खाने वाले हैं। अनएम्प्लॉयड पर्सन लक के भरोसे नहीं बैठे, सिर्फ लगातार प्रयास आज जरूरी है। जॉब करने वाले लोगों को अपने को वर्कर्स को पीछे छोड़ने के चक्कर में खुद कहीं पीछे ना हो जाए। सोशल लेवल पर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ग्रैंड दोष के बनने से कोई कड़वी बात आप किसी को बोलने वाले जिससे उनका दिल आहत हो जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ डिनर, ट्रैवल, स्पिरिचुअल यात्रा सब संभव है। थायराइड जिनको है उन लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। अपने क्रोध और उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर नियंत्रण रखिए वरना आप अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने गोल से आज भटकने वाले हैं। वृश्चिक राशि, आपका प्रॉफिट किस में, आप क्या चाहते हैं दिल से? बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, फिर वैसे ही चलते रहिए, ये दिन आपका है। इंद्र और इंद्र योग के बनने से ज्वेलरी, फैशन, हैंडीक्राफ्ट, फिटनेस इंस्ट्रक्टर, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सलून, जिम वाले लोगों के लिए आज सफलता हासिल करने का दिन है। फेस्टिवल सीजन पर बिजनेस पर्सन को पार्टनर और साथ में जो भी लोग हैं उनके साथ बैठकर एक मीटिंग करनी चाहिए। व्यापार के विस्तार के लिए आप कुछ अच्छा कर ही लेंगे। वर्क प्लेस पर मन लगाइए, काम बहुत है। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर पहली मुलाकात में लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। फैमिली के साथ किसी शुभ और मांगलिक कार्यों की आज रूपरेखा बन सकती है। सामाजिक स्तर पर आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जो वर्क पर फंसे नई बातें हैं वो बाद में आंसू बहाते हैं। आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में काफी हद तक आज सफल रहेंगे। परिवार के संग कुछ दान, पूजा पाठ भी आज होने वाला है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रेवल ना चाहते हुए भी आज करनी पड़ सकती है। मेरे प्यारे साथियों, आइए अब बात करते हैं 8 राशि बाद 3 अक्टूबर शारदीय नवरात्र जो आज से प्रारंभ हो रहे हैं। सर्वप्रथम शारदीय नवरात्र पूजन का प्रारंभ समुद्र तट पर किसने किया था और क्यों, इसे जानते हैं। शारदीय नवरात्र आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। इस दौरान देश भर में माँ भगवती के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्र के बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था और उसके बाद 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की। मान्यता ये भी है कि तभी से असत्य पर सत्य की जीत तथा अधर्म पर धर्म की विजय की जीत के प्रतीक के रूप में दशहरा पर्व मनाया जाने लगा।
शारदीय नवरात्रा में दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती है और कहा जाता है कि ऋतुओं के यानी मौसम के परिवर्तन काल का असर मानव जीवन पर नहीं पड़े, इसीलिए साधना के बहाने ऋषि मुनियों ने इन 9 दिनों में उपवास का विधान किया था। देश के हर भाग में नवरात्रा की धूम अलग अलग तरह से देखने को मिलती है। जहां उत्तर भारत में मंदिरों में माँ भगवती का पूरे श्रृंगार के साथ पूजन किया जाता है, वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा का आयोजन किया जाता है, तो बंगाल में मनाया जाने वाला दुर्गोत्सव अलग ही छटा बिखेरते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। माँ के मंदिरों, विशेष रूप से माता वैष्णो देवी के मंदिर में इस दौरान श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं धनु राशि की। आज डे को डिजाइन करिए और रूटीन को थोड़ा बदलिए। वेब डिजाइनर, ऐप डिजाइनर, कोई भी सोशल मीडिया में मार्केटिंग का काम करने वाले लोगों के लिए आज प्रॉफिटेबल दिन है। बिजनेस पर्सन व्यावसायिक मामलों में समझदारी का परिचय देंगे, अपनी समझ से कई चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। इंद्र और इंद्र योग के बनने से एम्प्लॉयड पर्सन को अन्य जगह से अच्छे पैकेज के ऑफर मिल सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन बॉस की बातों को नजरअंदाज करने से बचें, उनका एक इशारा तुरंत समझ लीजिए। सोशल लेवल पर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है। फेस्टिवल सीजन पर फैमिली में होम अप्लायंसेस और जरूरी चीजों पर धन खर्च होने वाला है। प्रायोरिटी वाइज और लिस्ट बनाकर करोगे तो कम पैसे में ज्यादा चीज खरीद पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुखद क्षण बिताने वाले हैं। सेहत के मामले में रूटीन आज चेकअप करना जरूरी है। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ आज स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं। जो लोग कपड़ों का, टेक्सटाइल का, किसी प्रकार का ऐसा काम जो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, कोई भी ऐसा काम जो ज्वेलरी या फैशन से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को थोड़ा तनाव हो सकता है। मकर राशि, अच्छे काम करके आपका भाग्य चमकेगा, लोग आपका साथ देंगे। इंद्र और इंद्र योग के बनने से बिजनेस में स्टेटस स्ट्रांग होगा, मार्केट में आपकी और आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। वर्क प्लेस पर आ रही चुनौतियों का आप इजीली हैंडल कर लेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने काम में अधिक ध्यान देने की जरूरत है, अपनी ओर से गलती की गुंजाइश मत रखिएगा। फैमिली में किसी के साथ पुराने मतभेद आज दूर होंगे और पारिवारिक दृष्टिकोण से ये दिन अच्छा है। फ्री होकर आप एंजॉय कर सकते हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं उसे अपने दिल की बात जरूर बता दीजिए। बच्चों के साथ बेहतर समय व्यतीत कर पाएंगे और आउटडोर गेम भी आप एंजॉय कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ दिल की बात शेयर जरूर करेगा। प्राण जाए पर वजन ना जाए, वजन को कम करने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। एनएलयू, आईलेट्स और साथ में जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज जी जान लगाने वाला दिन है। आज ना चाहते हुए भी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। कुंभ राशि, शादीशुदा है तो ससुराल वरना अपने परिवार से कोई समस्या आ सकती है, उसे पहले से भांप कर उसका समाधान ढूंढ लीजिए। ग्रैंड दोष के बनने से पार्टनरशिप बिजनेस में आज नुकसान हो सकता है। ब्यूटी पार्लर, सलोन, वॉलपेपर, मोबाइल एसेसरीज या ऐसे लोग जो टूर्स एंड ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आर्थिक रूप से आज चुनौती वाला दिन है। वर्क प्लेस पर दोहराई गई गलतियां आपको पीछे रख देंगी, इसलिए अपनी गलतियों को गंभीरता से लीजिए और उन्हें दोहराइए मत। एम्प्लॉयड पर्सन ने हाल ही में अगर कोई जॉब ज्वाइन की है तो को वर्कर्स का विश्वास जीतने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। परिवार में जो प्रॉब्लम है उसे आप मत सॉल्व करिए क्योंकि वो और उलझ जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी और की बातों में हम बहकाव में आने वाले हैं। जो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स विदेश जाना चाहते हैं किसी काम को लेकर, अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। संतान की कंपनी पर भी ध्यान दीजिए और उनकी सेहत पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आध्यात्मिक रूप से आज आपकी यात्रा हो सकती है। मीन राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर या फिर दोस्तों के साथ अगर कोई संबंध बिगड़े हैं तो उसे सुधार लीजिए। ट्रेडिंग का बिजनेस, मैट्रिमोनियल साइट्स, कैटरिंग बिजनेस, इवेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर, स्पोर्ट्स एसेसरीज की शॉप चलाने वाले लोग और कंस्ट्रक्शन के साथ माइनिंग से जुड़े हुए लोगों को लीगल अवेयरनेस जरूर रखनी चाहिए। वर्क प्लेस पर किसी काम को कंप्लीट करने में टीम और सीनियर का सहयोग मिलेगा। फेस्टिवल सीजन पर एम्प्लॉयड पर्सन को प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। काम इतना बढ़िया करिए कि ये सब अपने आप हो जाए। फैमिली में आप रिश्तों में गर्माहट लाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए स्टूडेंट को या फिर जो पीएचडी कर रहे हैं, उन लोगों को अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आज कुछ भटकाव ग्रहण दोष के कारण हो सकता है। घर में किसी सदस्यों को अगर डायबिटीज है, रात को देर तक जगते हैं, एंग्जाइटी ज्यादा है तो उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा। आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन पर ले जाना होगा और अपने ईस्ट देव की आराधना से दिन की शुरुआत करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से बातचीत करते समय व्यवहार को सरल रखिएगा। आज ना चाहते हुए भी यात्रा करनी पड़ सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, कर्कोटक काल सर्प दोष के बारे में। जब किसी की कुंडली में राहु सेकंड हाउस में हो और केतु 8th हाउस में हो और सभी ग्रह राहु से केतु के मध्य आ जाए
तो कर्कोटक काल सर्प योग बनता है, इसे दोष भी कहा जाता है। नौकरी और व्यवसाय में कई चुनौतियों के एक साथ ऐसे लोगों को सामना करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति का विवाद हल नहीं होता है और धन बचता नहीं है और साथ में जुबान भी कई बार खराब हो जाती है। लीगल कॉम्प्लिकेशन में ऐसे लोग फंस जाते हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी करना और बोलना ऐसे लोगों को नुकसान दे सकता है। वैवाहिक संबंधों में डिले होना मैरिज का या मैरिटल लाइफ का डिस्टर्ब होना, एक्सीडेंट, चोट, दुर्घटना और रक्त विकार की प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को हो सकती है। इसके लिए कालसर्प दोषनाशक हमने कवच तैयार किया है जिसे जोधपुर कार्यालय से प्राप्त करके आप धारण कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु जी को पहले पीले पुष्प और पीले रंग के फल अर्पित करते हुए धूप दीप करें और केले का पौधा लगाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। उसके बाद नवरात्रि का पूजन शुरू करिए और आज हो सके तो अपने वजन के बराबर 7 प्रकार के अलग अलग धान लेकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांटने से माँ दुर्गा का बड़ा आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जमीन जायदाद के मुकदमे चल रहे हैं, तो अब आप निराश न हो, परेशान न हो। रामायण में एक उल्लेख आता है, जब भगवान राम रावण को पराजित करने में असमर्थ थे तब जामवंत की सलाह पर उन्होंने देवी साधना करके रावण को पराजित किया था। 3 से 11 अक्टूबर तक इस शारदीय नवरात्र में माँ बगलामुखी की आराधना से आप पा सकते हैं इन समस्याओं से छुटकारा। शारदीय नवरात्रि में माँ बगलामुखी की पूजा से आपको इन समस्याओं से तुरंत छुटकारा मिल सकता है। आज ही अपनी व्यस्त जीवन शैली से कुछ समय निकालकर विधि विधान आपके लिए करना मुश्किल है, लेकिन हम आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में आपके लिए विशेष अनुष्ठान का आयोजन करने जा रहे हैं। आप इसमें शामिल होकर अभिमंत्रित माँ बगलामुखी साधना किट मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।